अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन शाशलिक ऑथेंटिक, मेरे अपने स्टाइल में। ये एक कराची के फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और चाइनीज़ राइस की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन पीसेस इस तरह से। हाफ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट है जिसके अंदर मैंने हल्की सी ब्लैक पेपर भी डाली हुई है, और तकरीबन 2 टीस्पून मैं लूँगी सोया सॉस। यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, और 2 टीस्पून तकरीबन मैं लूँगी सोया सॉस। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बिल्कुल जो मैं क्वांटिटी है वो आपको परफेक्ट बता रही हूँ, तो आप इसी को ही फॉलो कीजिएगा। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए आप इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, ये इसकी मैरिनेशन है। ये लिया है मैंने ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम लिया है, और ये मैंने 1 एग व्हाइट लिया है जिसमें हल्का सा मैंने सॉल्ट डाला है। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके पहले एग वाइट में डिप करूँगी, और उसके बाद ब्रेड क्रम में, और फिर इसको साइड में रख दूँगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। जब आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं तो इसी स्टाइल में आपको शाश्लिक सर्व करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं 1 बाय 1 करके तमाम चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़े टाइम पहले एग फ्राइड राइस बनाए थे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग फ्राइड राइस का दे दूँगी। ये देखें इस तरह से मैं सब 1 बाय 1 करके इसकी कोटिंग कर रही हूँ। अब हम चलते हैं शाश्लिक की तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून लिया है ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं लिएगा। चाइनीज़ रेसिपीज़ में ऑयल ज़्यादा नहीं होता, ये ड्राई होते हैं और इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करते और क्रंची क्रंची रहते हैं। यहाँ पे मैं इस चिकन को सबसे पहले करूँगी फ्राई। अगर हमें ऑयल कम लगेगा तो हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे इसमें जल्दी जल्दी से ऐड कर दूंगी। इस तरह अगर हम चिकन सबसे पहले फ्राई करेंगे तो जब हमारा शाश्लिक रेडी होगा तो जो हमारी चिकन है वो अपना बिल्कुल अलग से फ्लेवर देगी। जी हाँ, ये देखिए अब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो हम इसको टर्न कर देंगे। हल्का सा मैं देखिए 1 ड्रॉप मैंने ऑयल और लिया है। बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी ये रहेंगी।
ये देखिए मैंने टर्न किया है, सारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। ये देखिए आप, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये देखें, अब मैं इसको इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और अब हम जल्दी से बनाएंगे इसका सॉस। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल और हाफ लूँगी मैं गार्लिक, उसको मैंने हाफ चॉप किया है, हल्का सा इसको बस सौते करूँगी, ब्राउन नहीं करना। अच्छा जी, एक मैंने ली है शिमला मिर्च, इसको मैं बहुत तेज़ तेज़ से चलाऊंगी ताकि ये क्रिस्पी और जल्दी से फ्राई हो जाए। और 2 अदद मैंने लिए हैं अनियन, इस तरह से। ये देखें बहुत तेज़ी से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ सोया सॉस। 1 बाउल फुल मैंने भर के इसमें लिया है केचप। कलर देखें आप इसके कितने इसके डार्कन कलर आए। यहाँ मैंने लिया है चिली सॉस लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसमें ब्राउन शुगर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। ब्राउन शुगर अगर अवेलेबल ना हो तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर। अगर आपको कम लेना है तो आप कम ले लीजिए, नहीं तो इतनी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। आप ऐसा कीजिएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिएगा, 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन में भी सॉल्ट है, सोया सॉस में भी सॉल्ट है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। ये देखिए अब उसके बबल्स आ गए हैं, इसकी कुकिंग प्रॉपर हो गई है। अब इसी केचप वाले बाउल में मैं 2 बाउल इसमें पानी डालूंगी ताकि इसका सॉस बने। ये देखिए इस तरह से, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना पानी डालें, जितना आपको इसको थिक करना है और इसकी ग्रेवी रखनी है। अब ये मैं सेकंड डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसमें बबल्स आ गए। अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, आपको जितना थिकनेस चाहिए आप उतना डालें। जल्दी से चम्मच चला लीजिएगा। ये देखें सॉस हमारा इतना थिक हमें चाहिए। ये देखिए आप, सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब आप खुद ही देखिए कि ये चिकन इस सॉस में अब कितनी टेस्टी लगेगी। ये देखें बबल्स हमारे आ रहे हैं, सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। ये कराची के एक मशहूर चाइनीज़ रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट तिल तकरीबन 1 टीस्पून। ये देखें इस तरह से, फिर मैं इसमें 3 ग्रीन चिलीज इस तरह से काट लूँगी और वो डाल दूँगी। हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है।
लास्ट में सिर्फ ग्रीन अनियन रहते हैं जो हम अभी एंड में डालेंगे। ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है शाशलिक सॉस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसकी शाइनिंग, चिकन का कलर, सॉस का कलर। अब मैंने इसकी प्लेटिंग की है इस तरह से वाइट प्लेट में। ये मैं आपको क्लोज़अप दे रही हूँ, आप चिकन देखें, सॉस देखें, इसका टेक्सचर देखें। आप इसको ज़रूर ट्राई किएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा राइस की भी रेसिपी, ताकि आपका कंप्लीट मील बिल्कुल रेडी हो जाए। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स।